अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि काइन मास्टर में एक लेयर का मसला आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेयर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारा काइन मास्टर सपोर्ट नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, आप जस्ट एक क्लिक से इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं चलाता हूँ पीछे। तो गाइस, यहाँ पर आपने आना है, सिंपली यहाँ पर टैप करना है सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स पर टैप करने के बाद आपने टैप करना है डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फो। तो यहाँ पर ये आपका चिपसेट वगैरह दिखा रहा है कि आपके मोबाइल का हार्डवेयर जो है वो काइन मास्टर की कितने रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर 1080p सपोर्टेड है। तो गाइस, इसके बाद आपने क्लिक करना है 3 डॉट्स पर, और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेरा जो काइन मास्टर है वो हाई रेजोल्यूशन पर सेट है, और ऊपर लेयर मोड दिया हुआ है। लेयर मोड पर क्लिक करके हम इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं होता तो नीचे वाले ऑप्शन रन एनालिटिक्स नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो काइन मास्टर जो है वो थोड़ा सा एनालाइज करेगा आपके सिस्टम के हार्डवेयर वगैरह को, और उस हिसाब से जो है आपके सेट कर देगा। मतलब कि 1080p में अगर आपकी लेयर सपोर्ट नहीं कर रही तो वो 720p में आपकी लेयर सपोर्ट करा देगा, और आपका मसला डेफिनेटली हल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लेयर मोड पर, और देन हम पीछे चले जाते हैं। जो है काइन मास्टर की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं। 16:9 पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं, या वीडियो, आप जो भी मर्जी आप चूज कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम लेयर्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देन मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके हम एक वीडियो इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक यही वीडियो जो है लेयर इसी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं कि वो वाला जो मसला है वो हल हो चुका है। मैं एक और लेयर ऐड कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेयर्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं और कोई मसला भी नहीं आ रहा। तो मैं एक और लेयर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसला पेश आ रहा था वो हल हो गया है, जहाँ पर कोई लाइंस वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी भी लेयर आप इम्पोर्ट करना चाहें अब आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक दिक्कत ये पेश होगी कि हमारे जो मोबाइल की कैपेबिलिटी है, पहले हम 1080p में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब मसला ये पेश आएगा कि हम 720p से ज़्यादा की वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इससे भी कम हो। तो वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल में कितनी कैपेसिटी है, आपके मोबाइल में कितना दाम है। तो जहाँ पर मैं आपको क्रोमा की भी इनेबल करके दिखा देता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से ये काम कर रहा है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेते हैं, और क्रोमा की में मास्क में जाकर हम इसकी थोड़ा सा जो है सेटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मसला हमारा पेश आ रहा था वो हल हो चुका है। तो जहाँ पर मैं दूसरी लेयर्स को कर देता हूँ डिलीट, और हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 720p से ऊपर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसमें हम अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर सकें, 1080p वगैरह कुछ इस तरह का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लेयर्स वाले मोड में अपनी काइन मास्टर को चलाया हुआ है। तो जहाँ पर मैं फ़ोटो में आकर आपको वो वाली वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी वीडियो, जहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि वीडियो लेयर जो हमने इम्पोर्ट की थी वो सही से काम कर रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे ज़रूर करनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। इससे होगा ये कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।